गाइस, आप सभी को मिलिस किचन में स्वागत है। आज राखी का त्योहार रक्षाबंधन है और इस पावन अवसर पर कुछ मीठा होना चाहिए, इसीलिए आज मैं खीर बनाऊंगी। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बनाने के लिए मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, शक्कर, 25 ग्राम खीर बनाने वाला चावल, किशमिश, घी, काजू और 2 तेज पत्ता ली हूँ, कस्टर्ड मिल्क और इलायची। कढ़ाई में मैं दूध को गर्म कर लूंगी। उबाल आ चुका है और दूध को लगातार चलाते जाना है ताकि नीचे से लग ना जाए। चावल को डाल लूंगी और इसमें 2 चम्मच घी डाल दूंगी। घी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। चावल मिलाना हो गया है घी के साथ, मैं इस घी मिले हुए चावल को दूध में डाल दूंगी। चावल डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से लगातार चलाते जाना है, नहीं तो चावल नीचे से लग जाएगा। 2 तेज पत्ता को डाल दूंगी और इसमें इलायची पाउडर डालूंगी और इसको लगातार चलाते जाऊंगी जब तक चावल पक ना जाए। इसमें काजू डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा दूध भी एकदम आधा हो चुका है और चावल भी पक चुका है एकदम। मैं इसमें अब कस्टर्ड मिल्क को डाल दूंगी इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। और इसके साइड साइड से जो मलाई जम गया है इसको भी मैं इसको साइड साइड के निकाल के इसमें डाल दूंगी, इसमें मिला लूंगी। इसमें मैं और 2 चम्मच घी डाल दूंगी। और इसे और थोड़ा सा 2-3 मिनट में इसको ये कर लूंगी, चला लूंगी। और इसी बीच में आपको लगातार चम्मच को चलाते ही रहना है ताकि इसमें नीचे से लग ना जाए। किशमिश को मैं लास्ट में इसलिए डाली हूं ताकि दूध फट ना जाए। अब मैं इसे निकाल लूं। खीर बनके रेडी है, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और साइड में जो आइकन बटन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।